Hello everyone, welcome. Today we are going to solve exercise 2.1 and our question is solve the following equations. So हमने equations के बारे में previous lecture में discuss किया था. Now our first question is x minus 2 equals to 7. तो equal sign है तो ये क्या है equation है. तो equation को solve कैसे करेंगे हम. अब देखो ध्यान से वेरिएबल x के साथ क्या है लेफ्ट हैंड साइड में माइनस टू है. तो हमने देखा था मेथड में कि अगर माइनस टू है तो इसको हम क्या करते हैं यहां से हटा देते हैं. तो इसके लिए क्या करेंगे प्लस टू करेंगे. इसमें भी प्लस टू करना होगा तो इस साइड भी प्लस टू करना होगा. तो इसके लिए क्या करना होगा हमें बोथ साइड में टू को प्लस टू को क्या करना होगा एड करना होगा. तो हम क्या करते हैं बोथ साइड में प्लस टू को एड करते हैं ऐसे. तो सेवन प्लस टू तो माइनस टू से प्लस टू क्या हो गया कैंसिल हो गया. तो क्या बच गया हमारा x इक्वल 7 प्लस 2 9. तो दिस इज द आंसर. इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं सिंपली ट्रांसपोजिंग मेथड से. कैसे कर सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 7. तो हम क्या करेंगे इसको माइनस 2 को ट्रांसफर कर देंगे उस तरफ शिफ्ट कर देंगे उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे. एक बात का ध्यान रखना होगा अगर लेफ्ट हैंड साइड से ये माइनस साइन है तो राइट हैंड साइड जाने में क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा. अगर यहां पे प्लस साइन होता तो ट्रांसफर होने पे क्या हो जाता माइनस साइन हो जाता. फिलहाल क्या है माइनस साइन है तो ट्रांसपोज करने में क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा. तो एक्स इक्वल्स टू 7 ये माइनस टू इस तरफ आके क्या होगा प्लस टू. तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 9. तो दोनों मेथड से हम क्वेश्चन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज y प्लस 3 इक्वल्स टू 10. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सिमिलर मेथड से जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया. प्लस 3 है तो यहां पे प्लस 3 y वेरिएबल के साथ है तो इसको हम क्या करते हैं गायब कर देते हैं. तो उसको क्या करना होगा बोलो हमें 3 क्या करना होगा इसमें से माइनस करना होगा. ये प्लस 3 है तो क्या करना होगा माइनस 3. तो हमें माइनस 3 क्या करना होगा यहां पे सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट माइनस 3 फ्रॉम बोथ द साइड या बोथ द साइड. तो ये देखो माइनस 3 इक्वेशन है तो इस तरफ भी माइनस 3 किए लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. तो इक्वेशन क्या रहेगा बैलेंस रहेगा. तो प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल y इक्वल्स टू 10 में से माइनस 3 गया तो 7 बचेगा. तो दिस इज द आंसर. इसी को हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं सिर्फ y प्लस 3 इक्वल्स टू 10. क्या करेंगे इसे प्लस 3 है इसको हम क्या करेंगे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में. तो प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस 3. तो वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 3. तो वाई इक्वल्स टू 10 में से 3 गया तो क्या आएगा 7. तो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सो नाउ अब हम दो दो क्वेश्चन एक साथ लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 नाउ क्या करेंगे बोलो. अब हम ट्रांसपोजिंग मेथड से करते हैं शिफ्ट करके हम. तो जेड वेरिएबल है प्लस 2 को हम क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा इस तरफ आके माइनस 2. तो 6 माइनस 2 इक्वल्स टू जेड. नाउ 6 में से हमने 2 माइनस कर दिया क्या बचेगा 4 इक्वल्स टू जेड. देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 4. दिस इज द आंसर. नाउ दिस वन इज हम क्या करेंगे इसमें देखो 3/7 को हम शिफ्ट कर देते हैं सेवन हम लेते ऐसे लिखते हैं. तो 3/7 के पहले क्या है प्लस साइन है ना. तो ये लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट होकर राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3/7 हो जाएगा. तो एक्स इक्वल 17/7 ये इस तरह आगे क्या हो जाएगा शिफ्ट होने पर -3/7. तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17-3/7. तो एक्स इक्वल्स टू 17 में से 3 क्या क्या आएगा 14/7. 7 × 14 तो x इक्वल्स टू 2. दिस इज द आंसर. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 and 6. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 5. 6x इक्वल्स टू 12. सो वेरिएबल x के साथ 6 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई अगर करेगा तो हम क्या करेंगे इसको शिफ्ट करेंगे इस तरफ
हम इसे राइट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये इंटू कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू 12/6, यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो शिफ्ट करने पे क्या हो जाएगा, वो डिवाइड करेगा। तो एक्स इक्वल्स टू 6×2=12, तो आंसर क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पे टी क्या है, वेरिएबल है, अपॉन फाइव। अब ये फाइव क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो शिफ्ट होने पे क्या हो जाएगा, वो इंटू करेगा। तो टी इक्वल्स टू 10×5 हो जाएगा। अब टी इक्वल्स टू 10×5=50, तो टी इक्वल्स टू 50, दिस इज द आंसर। सो नाउ नेक्स्ट, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 and 8। सो फर्स्ट इज दैट, ये 2x/3, तो x क्या है, वेरिएबल है, और ये अपॉन 3 दैट मीन्स डिवाइड कर रहा है 3, तो शिफ्ट होने पे क्या करेगा, ये इंटू करेगा। तो 2x=18×3, तो फर्स्ट इंटू कर लेते हैं, 2x=18 × 3 = 3, 3 8 = 14, कैरी 1, 3 1 = 3 and 1 = 5, 18 × 3 = 54। नाउ 2x है, 2x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो शिफ्ट करने पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा। तो x=54/2, तो x=2 से डिवाइड कर दो, 2×2=4, रिमेनिंग 1 = 14, 2×7=14, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 27। x=27। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलरली देखो, y वेरिएबल है, अपॉन 1.5 है, तो ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो शिफ्ट होने पे इस तरफ क्या हो जाएगा, ये इंटू करेगा। तो 1.6×1.5=1, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो, 15×6=19, कैरी 9, 15×1=15 and 9=24, After 2.1 and 1, there is decimal. तो 0 and 4, दो नंबर है, उसके बाद decimal लग जाएगा। तो answer क्या होगा, exactly y=2.4, इसके बाद 0 का कोई value नहीं होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो y की value क्या हो गई, 2.4। Now next question. Now question number 9. So here just see there. +9 है, इसको हम shift करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस नाइन का क्या हो जाएगा +9। सो 7x=16, ये -9 है, शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया, ये +9 हो गया। 7x=16 and 9=25। नाउ 7 क्या कर रहा है, इंटू कर रहा है, वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो शिफ्ट होने पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x=25/7, तो ये अभी इसको यहीं पे छोड़ दो आंसर को, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 25/7। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सेम सिमिलर मैनर से यहां पे देखिए, 14y-8=13, तो -8 है इस तरफ, हम इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -8 है तो क्या हो जाएगा, +8। तो 14y=13+8, नाउ 14y=13 में 8 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 21। नाउ 14y वेरिएबल के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर हम शिफ्ट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो y=21/14 हो जाएगा। सो y=7 से डिवाइड हो जाएगा, 7×3=21, 7×2=14, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, तो क्या होगा, देखो 17+6p=9, तो क्या करेंगे, वेरिएबल 6p है इसके अंदर, 17 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, देखो इक्वल से पहले लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के बाद राइट हैंड साइड, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करते हैं। तो ये +17 इसके आगे, देखो साइन देखो क्या है, यहां पर प्लस का है, तो ट्रांसफर होने पे क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा। तो 6p=9-17, अब 6p=17 में 17 में से आप 19 प्लस हटा दो, निकाल दो, तो क्या हो जाएगा बोलो, 17 में से 9 गया तो क्या आएगा, -8, माइनस साइन बढ़ा है तो माइनस आएगा। नाउ अभी वेरिएबल p के साथ 6 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है,
तो ट्रांसफर होने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा, तो पी इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 6, पी इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर दो, दोनों 2 से कट कर देते हैं, 2 फोर जा 8, 2 थ्री जा 6, तो आंसर क्या होगा, पी इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब इक्वल के इस तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्लस 1 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 इक्वल्स टू 7 अपॉन 15 माइनस 1, तो x अपॉन 3 इक्वल्स टू, हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 या सिंपली 1, तो क्या होगा 7 माइनस 15 1 जा 15 अपॉन 15, सो एक्स इक्वल एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 15 में से 7 माइनस करो तो माइनस क्या आएगा, 15 में से 8 गया 7 गया तो क्या आएगा, माइनस 8, माइनस साइन बड़ा है इसलिए माइनस आया, अपॉन 5। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये डिवाइड कर रहा है वेरिएबल एक्स को, एक्स अपॉन 3 है तो 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो शिफ्ट होने पे क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 15 इंटू 3 हो जाएगा, ना 3 5 जा 15, सो आंसर बिकम्स माइनस 8 अपॉन 5, सो दिस इज कंप्लीटली सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। नाउ वी विल ज्वाइन 2.2, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू। We'll be right back.